हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू बाय मैकेनिक्स कोच। तो आज हम आपको बताएंगे लीवर्स के बारे में, क्योंकि लीवर्स के बारे में काफ़ी डिमांड आ रही थी। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपका बायोमैकेनिस्ट डॉक्टर अंशु मल्होत्रा आपको बताता हूँ बायोमैकेनिक्स के टिप्स एंड प्रिंसिपल्स, ताकि आप अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकें। अगर आप एथलीट हैं या कोच हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल इजीली और बहुत ही आसान तरीके से हम डेमोंस्ट्रेट करते हैं बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल, जिससे डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और जैसे आप सबको मालूम है कि बायोमैकेनिक्स का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, मतलब दो एडवांटेजेस यही हैं कि बायोमैकेनिक्स से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और आपकी इंजरी का रिस्क कम होता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट आज है लीवर का। अब हमारी बॉडी में लीवर्स काम करते हैं, और बेसिकली तीन तरह के लीवर्स हैं, और तीनों तरह के लीवर्स बहुत सिंपल तरह से मैं आपको समझाने वाला हूँ, और इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है। लीवर वन का कुछ और उद्देश्य है, लीवर टू का कुछ और उद्देश्य है, लीवर थ्री का कुछ और उद्देश्य है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल क्लैरिटी से आपसे विद ग्राफिक्स एंड एग्जांपल्स आपसे बताया जाएगा, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप जाना चाहते हैं पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक। तो सबसे पहले हमें लीवर समझना होगा, लीवर है क्या। लीवर बेसिकली सबसे सिंपल मशीन है। सबसे पहले आपको बताते हैं लीवर्स में क्या होता क्या है। ये सिंपलेस्ट मशीन है। इसमें एक तरफ ये बीम है और एक ट्रायंगल है जो फलक्रम है। एक तरफ आपका एफर्ट लगता है, दूसरी तरफ आपकी रेजिस्टेंस लगती है, और जो ये डिस्टेंस है आपका एफर्ट्स और इस पाइवट यानी फलक्रम से, उसको कहते हैं फोर्स आर्म। और सिमिलरली जो रेजिस्टेंस से, मतलब जो ऑपोजिट फोर्स है उससे जो डिस्टेंस है फलक्रम का, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस आर्म। अब जब ये बैलेंस्ड है लीवर, तब जो आपका दोनों तरफ का एफर्ट इनटू फोर्स आर्म इक्वल रहता है रेजिस्टेंस इनटू फोर्स आर्म। अगर इसको मैकेनिक्स की भाषा में देखें तो बेसिकली ये मोमेंट ऑफ फोर्सेस हैं जो दोनों अगर आप इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम में हैं, और तब आपका जो बीम है सीधा रहता है। किसी भी तरफ आपका अगर एफर्ट ज़्यादा होता है तो उस तरफ से मोमेंट, रोटेटरी मोमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, और ये जो बीम है उस तरफ झुक जाएगा। अब जो एफर्ट फोर्स है वो है आपका जोर, जो आप फोर्स लगाते हैं अपने मसल से, उसे एफर्ट फोर्स कहा जाता है, क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे हैं। और जो दूसरी तरफ ऑपोजिट, मतलब रेजिस्टेंस कहा जाता है उसके, जिसके खिलाफ आपने वो फोर्स लगा दिया। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है हमारे फलक्रम से, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस आर्म और एफर्ट आर्म। तो ये बहुत ही सिंपल तरह से मैंने आपको बताया कि यही पार्ट्स हैं लीवर के। एक बीम हो गया, दो फोर्सेस हो गई, मोमेंट ऑफ फोर्सेस जिन्होंने उस बीम को घुमाना है, और बीम घूमने कहाँ है, फलक्रम के ऊपर। वेरी क्लियर। और इनके डिस्टेंसेस को अलग अलग नाम दे दिए हैं। अगर फलक्रम और रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिस्टेंस, को कहते हैं रेजिस्टेंस आर्म, और दूसरी तरफ जहाँ आप एफर्ट लगा रहे हैं और जो फलक्रम का डिस्टेंस है उसको कहा जाता है एफर्ट आर्म। अब ये आपके लिए फायदेमंद क्यों है? लीवर इसलिए फायदेमंद है क्योंकि यह हमें एडवांटेज देता है। एडवांटेज क्या है? अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज सिंपली क्या है, डिस्टेंस है, फोर्स आर्म वर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर्म। मतलब आपका जहां पर आप जोर लगा रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जहां पर लोड है उसका जो डिस्टेंस है, उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है। अगर आपका फोर्स आर्म यानी आपका डिस्टेंस जोर लगाने का ज़्यादा है तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप फलक्रम के पास हैं और आपकी रेजिस्टेंस आर्म ज़्यादा है तब आपको कम मिलेगी। आपको मालूम है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम यहाँ पर वो बीम घूमेगी और आपका एफर्ट, तो वो अगर ज़्यादा होगा, फोर्स आर्म यानी ज़्यादा होगी, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा मिलेगी। मतलब क्या है, कम जोर में ज़्यादा, कम फोर्स लगाने पर आपका ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, ये एडवांटेज। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं किसी चीज़ में और फिर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, वही चीज़ है। अगर आपकी मैकेनिकल एडवांटेज अच्छी है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, कम जोर में ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा वर्क डन होगा, यही एडवांटेज है लीवर की। और वो कैसी होगी, जब आपका फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस जहाँ आप जोर लगा रहे हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि फोर्स आर्म तभी ये डिस्टेंस है ना बेसिकली, ये बड़ा होगा तो वो ऑब्वियसली मोर देन वन आएगी और आपका एडवांटेज। तो ये एडवांटेज। अब मैं आपको बता दूं तीन तरह के लीवर्स।
तो अब आपको बताते हैं तीन टाइप्स ऑफ लीवर्स, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। क्लास वन लीवर जो है वो आपके एफर्ट, जो आप जोर लगा रहे हैं, अगर आप नीचे जोर लगा रहे हैं किसी चीज पे, जैसे आपने सीसॉ देखा, सीसॉ होता है, ये फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपका जो फलक्रम है, ये मेरा हाथ फलक्रम है, ये सेंटर में रहता है, और सीसॉ की तरह एक तरफ एफर्ट और एक तरफ रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ये जो लीवर है चेंज कर देता है। जैसे आपने जोर नीचे लगाया तो उसका रिजल्ट ऊपर की तरफ मिल रहा है सीसॉ में। तो ये फर्स्ट लीवर का मेन उद्देश्य है, आपका जो एफर्ट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देना। अब क्लास वन में क्या है, बेसिकली जो आपका फलक्रम है रेजिस्टेंस और एफर्ट के बीच में रहता है, जैसे सीसॉ होता है। तो क्लास वन को थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। अब इसमें एक तरफ एफर्ट है, एक तरफ रेजिस्टेंस, जैसे सीसॉ की तरह बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा झूला, और बीच में आपका फलक्रम है। अब इसमें मैकेनिकल एडवांटेज, फोर्स आर्म ओवर रेजिस्टेंस आर्म कुछ भी हो सकता है। अगर आपका फलक्रम, ये देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में, फलक्रम जो है लोड के पास हो जाता है तो आपकी रेजिस्टेंस आर्म कम हो जाएगी, सपोज 2 सेंटीमीटर रहेगी। ऑन द अदर हैंड मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, लेकिन आपका जो जोर जहाँ हम लगा रहे हैं एफर्ट आर्म, वो ज़्यादा है, वो 4-5 सेंटीमीटर है। तो मतलब आपका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन मिलेगा, क्योंकि फोर्स आर्म लंबा हो गया। तो जब भी आपको इस तरह से चाहिए तो आपको फोर्स आर्म लंबा करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप फोर्स आर्म कम कर देते हैं तब आपको मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन मिलेगी। तो क्लास वन लीवर दोनों चीज़ें कर सकता है, एडवांटेज ज़्यादा भी हो सकती है और एडवांटेज कम भी हो सकती है। और ये देखिए एफर्ट का डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, आप जी जोर लगा रही है नीचे की तरफ और जो रिजल्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, वो ऊपर की तरफ। ब्लू जोर है, रेड रेजिस्टेंस है। तो क्लास वन का पहला फंक्शन क्या है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। और हमारी बॉडी में ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारी बॉडी में ये नेक जॉइंट जो है, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, जिसके जो आपका बेसिकली हमारी बॉडी में जॉइंट्स फलक्रम की तरह काम करते हैं, और बेसिकली जो मसल है वो एफर्ट है, जो कि स्प्लेनियस कैप्टिस मसल, इसके अलावा और भी कई मसल्स हैं, बट मेनली ये आपके हेड को मूवमेंट करवाता है, और जो आपका हेड का वेट है वो आपका रेजिस्टेंस है। तो जब आपका एफर्ट स्प्लेनियस कैप्टिस की तरफ से ज़्यादा लगता है तो आपका गर्दन ऊपर हो जाती है। सेकेंड क्लास टू लीवर, उसमें क्या होता है, फलक्रम एक कोने में रह जाता है, रेजिस्टेंस बीच में आ जाती है और आपका जोर यहाँ लगता है। ये आ गया फलक्रम, मेरा मुट्ठी फलक्रम है एंड सेंटर में जोर है, इसके ऊपर यहाँ लोड आएगा और यहाँ पर आपका एफर्ट लगता है, ठीक है। इसका क्या काम है सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर आपका फोर्स को बढ़ाता है, जोर को बढ़ाता है, मतलब कम जोर में ज्यादा, मतलब आपने कम जोर लगाया लेकिन जो आपका रिजल्ट आया वो ज्यादा। अब आते हैं सेकंड क्लास लीवर के ऊपर। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें जो फलक्रम के दोनों, एक तरफ फलक्रम रह जाता है और दोनों चीज़ें रेजिस्टेंस एफर्ट एक साइड हो जाती है, और इसमें रेजिस्टेंस जो है बीच में आता है एफर्ट और फलक्रम के बीच में, जैसे आपका ये एग्जांपल है। और इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन वन होती है, क्योंकि इसमें आपका रेजिस्टेंस फलक्रम के पास रहता है तो हमेशा कम रहता है, और फोर्स सामने मतलब जहाँ आप जोर लगाते हैं वो ज़्यादा। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, द रेंज ऑफ मोशन इज एक्सरसाइज टू गेन फोर्स, ये आपकी फोर्स को बढ़ाता है, कम फोर्स में ज़्यादा काम। जैसे आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ का, इसमें आपको एफर्ट कम लगाना पड़ता है लेकिन आप लोड ज़्यादा उठा पाते हैं, मतलब कम फोर्स लगाए ज़्यादा वर्क डन कर पाते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है सेकंड क्लास लीवर। हमारे बॉडी में ये बेसिकली पैरों में जब आप खड़े हैं और इसमें जब आप प्लैंटर फ्लेक्शन करेंगे, तो जब आप खड़े हैं बिल्कुल बैलेंस पोजीशन में तो स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही आप प्लैंटर फ्लेक्शन करते हैं तो आपका जो टो के जो जॉइंट्स हैं वो आपका फलक्रम की तरह काम करते हैं, और बॉडी वेट आपका रेजिस्टेंस है, और एफर्ट जो आप लगा रहे हैं वो गैस्ट्रोमेरुलर सॉल्यूस मसल से है। तो वो जब आपका एफर्ट ज़्यादा होता है तब आप उसको, इस बीम को हिला पाते हैं और पूरे बॉडी को बैलेंस करके प्लैंटर फ्लेक्शन कर पाते हैं। थर्ड क्लास लीवर, जो कि सबसे ज़्यादा हमारी गेम्स में और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो थर्ड क्लास लीवर है, और उसका उद्देश्य क्या है, रेंज बढ़ाना। जैसे आपने बैट से बॉल को दूर भगाना है, तो बैट क्या है आपका, थर्ड क्लास लीवर। तो इसमें क्या रहता है, इसमें जैसे ये फलक्रम आ गया और यहाँ पर हमारा, इसमें फलक्रम के दोनों ही हैं लेकिन इसमें रेजिस्टेंस
फलक्रम से दूर है लेकिन आपका एफर्ट उसके पास है। और इस लीवर का मेन जो एम है वो यही है कि आपकी रेंज बढ़ाना। तो अब आते हैं थर्ड क्लास लीवर में जो कि सबसे ज़्यादा है और इसका मेन एम है रेंज बढ़ाना यानी आपकी। और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो आपका एफर्ट है वो फलक्रम के पास रहता है ज़्यादा और रेजिस्टेंस दूर रहता है, तो इसकी वजह से इसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज है ऑलवेज लेस रहती है। और जब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होती है तो आपको हमेशा गेन ऑफ डिस्टेंस होता है, आपकी रेंज बढ़ती है। उसी तरह अगर मैकेनिकल मोर देन वन है तो आपको कम फोर्स में ज़्यादा फोर्स मिलती है, तो ये भी मैकेनिकल एडवांटेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो क्लास टू इज़ ऑलवेज लेस देन वन, क्लास थ्री इज़ ऑलवेज मोर देन वन एंड क्लास थ्री एडवांटेज ऑलवेज लेस देन वन। तो इसीलिए क्लास थ्री लीवर हमेशा आपकी रेंज को बढ़ाता है और यही जो लीवर है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट प्रमोट्स मसल टू प्रोड्यूस डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट विद मिनिमल मसल शॉर्टनिंग ऑल्दो एट सैक्रिफाइस ऑफ फोर्स। तब जैसे बड़ा सिंपल है, आप क्रिकेट बैट से बैटिंग करते हैं तो बॉल को आप देखिए कैसे चौका छक्के मारते हैं तो कितनी ज़्यादा रेंज बढ़ जाती है, तो वो क्या है, वो थर्ड क्लास लीवर आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से थर्ड क्लास लीवर मैक्सिमम हमारे बॉडी के अंदर है। तो बहुत क्लियर हो गया, क्लास वन क्या करता है आपकी एफर्ट की डायरेक्शन को बदलता है, क्लास टू आपकी स्ट्रेंथ जितने आपने फोर्स लगाई उसका इफेक्ट को बढ़ाता है, और क्लास थ्री आपकी रेंज को बढ़ाता है। तो ये तीन अलग अलग फंक्शन है। इस तरह से गलती हो जाती है कई बार लीवर को आइडेंटिफाई करने में, तो इस एग्जांपल के बाद आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो वी मस्ट कंसीडर अटैचमेंट पॉइंट। अटैचमेंट पॉइंट आपको ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरफ से एफर्ट आ रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है, सिर्फ बिल्कुल डीपली आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आपको लीवर का पता लगेगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये हमारा हिप है, दिस इज़ योर थाई एंड दिस इज़ योर लेग। अब सपोज यहाँ पर लोड पड़ रहा है और आप एफर्ट लगा रहे हैं इसको मूवमेंट करने के लिए, अगर आप इस दिशा में देखेंगे, मतलब इस सिनेरियो में अगर आप ज़्यादा आपको मसल का अटैचमेंट नहीं पता, आप समझ रहे हैं बस यहाँ से सपोर्ट आ रहा है, ये हमारा फलक्रम है जॉइंट और यहाँ पर लोड आ रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या लगेगा, इधर से आपकी एफर्ट है यानी मसल फोर्स यानी आपका एफर्ट इधर है, इधर आपका रेजिस्टेंस है और ये रहा फलक्रम। इस केस में अगर आप सोचेंगे तो ये आपको क्लास वन लीवर लगेगा क्योंकि एफर्ट इधर है, रेजिस्टेंस इधर है, फलक्रम सेंटर में, बट दिस इज रॉन्ग। जब आपको पता लगेगा कि असल में जो आपका एफर्ट है रेक्टस फेमोरिस जो मसल है उसकी हेल्प से हो रहा है और वो इस तरफ से आ रहा है, हिप से अटैचमेंट है उसकी, ना कि थाई से, और वो सीधा अटैच हो रहा है आपके इधर आके, ठीक है, तो सारा एफर्ट आपका अब जो हम सोच रहे थे इस तरफ है, असल में कहां पर जोर लगना है, इस तरफ। और अब जब जोर आपके इस तरफ लग रहा है और ये फलक्रम के पास है और लोड दूर है, तो ये क्या बन गया, क्लास थ्री। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मसल का पता होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि फोर्स कहां से आ रही है। तो सारा खेल फलक्रम के आसपास का है जो है हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस वर्कआउट के हेल्प से आपको पता लगेगा किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली इसकी मैकेनिकल एडवांटेज वन से कम है लेकिन फिर भी हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिप जॉइंट है, यहाँ पर आपका मूवमेंट हो रहा है, तो हिप जॉइंट इज योर फलक्रम, द बैक ये आपकी बैक है स्ट्रेट, इसको हम ये आपका रॉड बन गया लीवर का, ठीक है, और ये आपने बारबेल रखा हुआ है, ये आपका लोड है, ठीक है, और आप शोल्डर से और सबकी हेल्प से आप फोर्स लगा रहे हैं। वी ऑब्जर्व दैट दिस लीवर इज इनएफिशिएंट बाय डेफिनेशन, इट इज लॉन्ग लीवर विद द लोड एसोसिएटेड एज फार एज फ्रॉम द फलक्रम एज पॉसिबल। आप देखिए फलक्रम आपका यहाँ पर है, लोड यहाँ इतनी दूर है, तो इस केस में वैसे ही थर्ड क्लास लीवर है ये, और थर्ड क्लास वैसे ही इनएफिशिएंट होता है, और उसके अलावा आपने फलक्रम से लोड कितना दूर कर दिया, तो टोटली काफ़ी इनएफिशिएंट ये वर्कआउट है, इसमें आपका बहुत जोर लगने वाला है। However, if we move the barbell lower along the back, as in the lower back squat, we shorten the effective length of the lever and decreasing its inefficiency. अब देखिए यहाँ पर रेड कितना लंबा लीवर है, तो लंबा लीवर होने से क्या हुआ, फलक्रम से लोड काफ़ी दूर हो गया, और जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकेंड लीवर में भी अगर लोड आपके फलक्रम से दूर है तो आपका लीवर जो इनएफिशिएंट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपनी कमर को थोड़ा टिल्ट कर पाते हैं जैसे ये कर रहे हैं, तब हम क्या करते हैं,
फलक्रम से लोड की जो डिस्टेंस है उसको हमने घटा दिया, और जब आप घटा देते हैं तब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और आपको ये सबको मालूम होगा, अगर आप ऐसे टिल्ट करके ज़्यादा वेट उठा पाते हैं, अगर आप ऐसे 100 किलो का उठा रहे हैं तो डेफिनेटली जब आप ऐसे टिल्ट करेंगे तो विदाउट एनी रिस्क आप 150 डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी 200 तक भी वेट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका लीवर का कैसे एडवांटेज हुआ। आपने थर्ड क्लास लीवर यूज़ किया, लेकिन इस ढंग से यूज़ किया प्रिंसिपली कि आपने उसका लेंथ कम कर दी, और लेंथ कम करने से आपने डिस्टेंस जो है लोड और फुलक्रम को कम कर दिया, और इसकी मदद से आपने ये मूवमेंट को एफिशिएंट बना दिया। तो ये था लीवर्स के ऊपर आज का वीडियो, होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको क्लियर हो गया है तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। एंड प्लीज़ लाइक करते हैं वीडियो और शेयर करें ताकि काफ़ी इंडियंस को ये पता लगे कि लीवर का एडवांटेज क्या है। थैंक यू वेरी मच।